हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे ही भले होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो ये आज मैं फिर से आ गई अरवी की नई सब्जी के साथ। तो ये अरवी हैं, आपको दिख ही रही होंगी, और मैं बनाऊंगी अरवी की दम अरवी। आपने दम आलू बहुत खाए होंगे, और तो मैं आज दम अरवी बनाने वाली हूँ। ये छिली हुई है और मैंने धो कर के ले लिए हैं। दम अरवी बनाने के लिए चाहिए हमें 2 कटे हुए टमाटर और मोटे मोटे साइज में कटा हुआ प्याज, लहसुन और काजू। 4 से 5 6 काजू चाहिए हमें। इन सब का हमें पेस्ट बनाना है, और साथ ही चाहिए एक अदरक का टुकड़ा, इसको भी काट के इसी के साथ पेस्ट बना लेना है हमें इसका। तो हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो मैंने सारा टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, काजू वाजू सब कुछ पीस लिया है, तो ये कटोरी में निकाल लिया है मैंने। और अब इन अरवियों को क्या करेंगे, इन अरवी को लेकर के हम ये गरम तेल में छोड़ देंगे, तो इनको हम तल लेंगे कढ़ाई में। तो तेल मेरा गरम हो चुका है, और इनको अरवी को इसमें डाल देती हूँ, और इनको लो टू मीडियम आंच पर अच्छे से पका लूंगी मैं तेल ही तेल में। तो मैंने अरवी को तेल में डाल दिया है, और इसके लिए ये अरवी जल्दी से पक जाए इसके लिए हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक, जो हमें सब्जी में डालना है उतना नमक डालना है ना। तो मैं इसे पहले ही डाल देती हूँ और इसे अच्छे से पका लूंगी। नमक के साथ ये अच्छे से गल जाएंगी। तो काफी हद तक हमारी अरवी तल चुकी हैं, ये देखिए इनका कलर चेंज होने लगा है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो हमने अरवी को निकाल लिया है, और सेम उसी कढ़ाई में हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा अजवाइन, आप जीरा भी डाल सकते हो, और थोड़े से डालेंगे कड़ी पत्ते। और हमने ये कुछ लेकर रखा है हरी मिर्ची, और थोड़े से मखाने हैं, और ये 2 4 5 काजू हैं और किशमिश है, इनको भी इसी में डाल देंगे। इनको थोड़ा सा भून लेंगे हम। और अब हम डालेंगे जो हमने पेस्ट पीस के रखा था ना, काजू, लहसुन, प्याज, अदरक का, तो और जो टमाटर का था उसे भी इसमें डाल के अच्छे से इसको पका लेंगे। मेरा मसाला पक रहा है, तब तक दोस्तों प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दो, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो लास्ट तक देखिएगा मेरी वीडियो को। बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इस रेसिपी में, क्योंकि इसमें और भी काफी चीजें डलेंगी जिससे हमारी सब्जी बहुत ही खुशबूदार और स्वादिष्ट बनने वाली है, हमारी दम अरवी की सब्जी। मसाला पक रहा है, तब तक अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, और स्वाद के अनुसार डालेंगे इसमें मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसाला पक रहा है, जब तक हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच दही, और 1 चम्मच डालेंगे इसमें दूध वाली मलाई। इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से दोनों को, तो इससे हमारी सब्जी की ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनने वाली है। हमारा मसाला काफी हद तक पक चुका है, तो अब हमने इसमें डालेंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ मावा, तो ये 1 चम्मच के बराबर है। अगर आपके पास मावा नहीं है तो मत डालिए, स्किप कर दीजिए, मेरे पास था इस वजह से डाल रही हूँ, तो सब्जी में अच्छा लुक आ जाएगा इससे। तो आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। इसकी जगह पे वो जो दूध की मलाई है आप 2 बड़े चम्मच डाल दीजिए, उससे काम चल जाएगा। तो
इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे और तेल छोड़ने तक हम मसाले को पकाते रहेंगे। तो मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से पक गया है और ये तेल छोड़ने लगा है। तो अब इसमें हम डालेंगे हमारी तली हुई अरबी, तो इनको भी अच्छे से इसमें भून लेते हैं, मसाले में अच्छे से इनको लपेट लेते हैं। तो 2 मिनट इनको ऐसे ही भून लेंगे। तो हमने अरबी को मसाले में अच्छे से भून लिया है, अच्छे से कोटिंग कर लिया है। तो अब हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे, हमें कितनी करी रखनी है इसकी, तो मैं इसमें थोड़ा सा ही डालूंगी। तो ये देखिए मैंने इसमें इतना ही पानी किया है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से आप कितनी ग्रेवी रखना चाहते हो। तो मैंने इस हिसाब से तो इतना ही किया है और इसको पकने देते हैं। जब सब्जी पक जाएगी तो इसका आधा पानी रह जाएगा इसमें। तो ये देखिए अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे लो टू मीडियम आंच पर। तो मैं इसे ढक देती हूँ। तो आइए 10 मिनट बाद देखते हैं हमारी सब्जी कैसी पकी है। तो ये देखिए सब्जी पककर एकदम से तैयार है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी में से। तो इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी हमें तो सब्जी में, आपको अगर थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो उसमें और पानी बढ़ा दीजिएगा सब्जी के हिसाब से। तो मैं इसे धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और निकालती हूँ अपनी खाने के लिए एक कटोरी में। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कैसी बनी सब्जी ये कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो। तो ये देखिए मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और निकालती हूँ अपनी सब्जी कटोरी में। तो ये देखिए मैंने कटोरी में सब्जी निकाल ली है और ये देखने में बिल्कुल ही दम आलू की तरह लग रही है और खाने में तो इसका स्वाद पूछिए ही मत। एक बार आप बनाकर देखिएगा फिर खाइएगा, जब पता चलेगा आपको कि सब्जी कितनी टेस्टी बनी है। बहुत ही लाजवाब लगती है सब्जी खाने में। अरबी की सब्जी दूसरी तरीके से बनाना भूल जाओगे अगर इस तरीके से बनाओगे तो।